कि माननीय सुशील मोदी जी ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया कि मैं मंत्री बनने के लिए हमने घूस के रूप में उनको माननीय श्री लालू प्रसाद जी के परिवार को हमने ये जमीन लीज पर दिया है। जगदानंद जी ने भी बता दिया आप लोगों को कि किस परिस्थिति में उस जमीन को हमें लीज पर देना पड़ा था। 2005 में सरकार नहीं बनी और वैसे हालात में उनको अपने गायों को रखना था, मेरे पास जमीन उपलब्ध थी, मैंने ऑफर किया कि मेरे पास जमीन है आप उसमें रख सकते हैं और तत्काल में एक लीज तैयार किया गया था और उसके बाद वो लीज के आधार पर हमने उनको वो जमीन दे दिया उनके गायों को रखने के लिए। उसके बाद 4 साल के बाद ही हमने सब परिवार के साथ जो हमारे 4 डीड 5 डीड हैं उसके आधार पर हम लोगों ने वो सब जमीन को चूंकि पैसे की आवश्यकता हुई हमें तो 2010 में हमने उसको सेल कर दिया उनको। लीज भी उन्हीं को दिया था, सेल भी हमने उन्हीं को कर दिया। और ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि मंत्री बनने के लिए तो 96 में मुझे बनाया गया था मंत्री, उस समय कौन सा हमने दे दिया। माननीय मोदी जी को ये भी जानकारी नहीं है कि बिहार में मैं मंत्री नहीं बनता, कल उनका ये भी आरोप था कि बिहार में भी वो मंत्री नहीं है। लेकिन मैं तो 1995 में मैं एमएलए बनी, 96 में मैं एमपी बनी, उसके बाद मैं वहीं पर भारत सरकार में मंत्री बनी और लगातार 3 बार मैं फिर रही भी। 2004 से लेकर 2009 तक में मंत्री बनाया गया था, वो भी राज्य मंत्री हम बने थे। तो ये तो लीज हमने बहुत पहले दे दिया, उसके बावजूद हमने 2009 में मैं चुनाव हार गई, फिर मुझे पैसे की आवश्यकता हुई तो मैंने 2010 में उन्हीं को बेच दिया। इसमें कोई मंत्री बनने के लोभ से माननीय श्री लालू प्रसाद जी को हमने अपनी प्रॉपर्टी लिखी ऐसी बात नहीं है। पैसे की कमी तंगी सबको होती है और ऐसे हालात में जिनको लीज दिया उन्हीं को हमने बेचने का भी काम किया है। बजाबता जो समाहर्ता के द्वारा जो सर्किल रेट फिक्स किया जाता है उसके आधार पर जो रेट उसमें निर्धारित की गई थी उस आधार पर हमने वो जमीन को बेचने का काम किया।